24 घंटे रह गए हैं सियासत के हमागीर और फाइनल राउंड के लिए, और हालात तश्वीशनाक हैं मुल्क के, बड़े ही गंभीर सूरत हाल है मईशत की, इक्तसादियात की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, पाकिस्तान के अदारे अजीम अदारे हैं, इन पे लोगों ने बहुत मेहनत की है, कोई हल नहीं है इलेक्शन के अलावा इस मुल्क को आगे ले जाने का। 172 लोगों में जो लोग मुनहरफ हुए हैं वो इस काबिल नहीं रहे कि अपने इलाकों में जा सके, वो कौम की तर्जमानी क्या करेंगे। मैं शायद 4 बजे भी दोबारा, 2 बजे मैंने सिक्योरिटी की मीटिंग बनाई है, आपको अपने आर ब्लॉक में आखिरी 4 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहूं। आर्टिकल 94 किताब मैंने कहा था लेके आए, मैं बड़ा वाजे है, किधर है और छोड़े अब लेने जा रहा है, 94 में के अगर अदम एतमाद हो जाती है तो वजीर आजम इमरान खान कंटिन्यू करेगा सदर के इख्तियारात के मुताबिक, कितने दिन कंटिन्यू करेगा इस सिलसिले में आइन खामोश है, 8 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, जब तक के एक नया वजीर आजम हलफ ना उठाए। वैसे तो हर घंटे के बाद सियासत बदलेगी इंशाअल्लाह ताला, हर घंटे के बाद सियासत बदलेगी। इस मुल्क की बदनसीबी है जिन पर दोनों बाप बेटे पर 18 फरवरी को 16 अरब की फर्दे जुर्म लगनी थी, वो चोर और डाकू एक सूबे और एक मरकज में उम्मीदवार हैं, और जो फैमिली निजाम, दोबारा फैमिली निजाम जो है ये इस मुल्क के लिए, मैं अदारों को कहता हूं नमक ही कान है, ये चोर जो है अब कह रहे हैं जी हम इन पे ईसीएल में डाल, कल डालना है आज डालो, हमारे कौन से वहां इवन फील्ड में फ्लैट है, 1/27 की रात जाते हैं सिर्फ रोजा रसूल पे सलामी देने के लिए। आप फंस गए हैं अपोजिशन वाले, इमरान खान बैठे बैठाए मकबूल हो गया है, हालांकि हम में भी बड़ी गलतियां हैं, हमने भी बड़ी गलतियां की हैं, हम में भी बड़ी कमजोरियां हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इनकी इस बेवकूफ, लोग इनके चेहरे नहीं देखना चाहते। और क्या मिला आसफ जरदारी को जी, सूबे में लूटमार का महीने का भत्ता उसको आता है, भत्ता उसको पहुंच रहा है, क्या अदारों को नहीं पता कि भत्ता कौन कौन से लोग उसको हर महीने पहुंचाते हैं। 172 में अगर 20-25 या 30 या 40 नापसंदीदा लोग अपने इलाके में नहीं जा सकते, वो मुल्क की जमहूरियत को क्या बचा सकते हैं। दो ही रास्ते हैं, नंबर एक के मुल्क में इंतखाबात करा दिए जाएं, कितने दिन, मैंने आपको कहा हर घंटे बाद इस मुल्क की सियासी सूरत हाल बदलेगी इस 24 घंटों में, फिर कहता हूं हर घंटे बाद इन 24 घंटों में सूरत हाल बदल सकती है, और वरना फिर आखिरी हल ये है कि पीटीआई के सारे लोग 155-160 असेंबली की नशिस्तों से मुस्ताफी हो जाएं, अगर वो सच्चे सियासतदान हैं। मैं इमरान खान के साथ हूं और मेरी ये उससे कमिटमेंट थी और है, शायद मैं रिटायर होना चाहता था, मेरे सारे काम हो गए सिवाय एक नाला ले रह गया, लेकिन ऐसे वक्त में मुझे और जोरदार तरीके से एक्टिव होना है, इन चोरों को बेनकाब करना है, अदालतें जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, अदालतें फर्द जुर्म नहीं लगा सकी 18 फरवरी को, मैं अदालत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, ये हकीकत है कि डेटें लेते रहे, और अगर गैर मुल्की साजिश है, अगर गैर मुल्की कॉन्स्परेसी है तो जिन लोगों ने की है उन पार्टियों को उन पर गद्दारी के मुकदमे किए जाए, उनकी जमातों को बैन किया जाए। और अब फवाद चौधरी साहब के पास लॉ मिनिस्ट्री है और वो कानून को भी समझते हैं और मीडिया को भी समझते हैं, सो 4 रास्ते हैं, नंबर एक के एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करें और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए, रमजान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें, ये हुकूमतें नहीं चल सकती।
इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान है आज के दिन। दूसरा रास्ता ये है इन लोगों के खिलाफ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। और तीसरा हल यही है कि अगर ये इलेक्शन ना कराएं तो तमाम पीटीआई के लोग नशिस्तों से मुस्तफी हो जाएं। मैं देखता हूं ये मुल्क कैसे चलाते हैं। और आखिरी, मैंने कभी दरख्वास्त नहीं की जिंदगी में, मैं अदारों से बराह रास्त दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस मुल्क की सलामती का सवाल पैदा हो गया है। लड़ाई गली मोहल्ले में चली गई है, भाबड़ा खाना तक चली गई है, लड़ाई तेली मोहल्ले और लाटू मोहल्ले तक चली गई है। ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता और ये आपस में भी इकट्ठे नहीं रह सकते। क्या ये कोई दुनिया की सियासत और इंसाफ है कि मकसूद चपड़ासी और सर्वर भल्ले वाले और दही वाले पताशे वाले इस मुल्क को चलाएंगे और 16-16 अरब रुपए के केस हैं। एक आदमी ने दो के तीन बटेरे पकड़े, उसने कहा एक मेरा, दूसरा उसने कहा ये मेरे बेटे का, उसने कहा ऐसी की तैसी जो मुझसे और मेरे बेटे से ये बटेरे ले। तो ये बटेरे पकड़ रहे हैं ये 22 करोड़ों को बटेरे समझने वाले लोग। मैं इनके खिलाफ सियासी ऐलान जंग कर रहा हूं। मैं पीटीआई का साथी नहीं हूं, मैंने कभी अपनी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग को मेंबरशिप भी नहीं की, अकेली सीट पर सियासत की, लेकिन ये चोर बाजारी, ये लूट मार जिन्होंने इस मुल्क को लूटा नोचा, ये सियासी मुर्दे, इनको दफन करना मेरा सियासी जिम्मेदारी है। वरना मैं उम्र के हिस्से में अस्सलाम अलैकुम कहना चाहता था क्योंकि मेरे पास अब काम नहीं था और यही काम है। और शायद मैं रमज़ान के बाद या ईद के बाद किसी एक टीवी पे बतौर एंकर भी आ रहा हूँ। मैं आप सबका मशहूर हूँ कि आपने मुझे शेख साहब ये बताया कि जो साजिश तैयार हुई और वहाँ पे बाहर से पैसे भी लिए गए 15 अरब रुपए, तो क्या एफआईआर दे रहे हैं जो गद्दारी का मुकदमा है आर्टिकल 6 के तहत? मुझे तो भेजे फवाद, लॉ मिनिस्टर है, मैं अभी दस्तखत करूंगा, आज शाम 12 बजे तक मैं हूं, अभी भेजे फवाद चौधरी, मैं अभी बगावत पे साइन करूंगा। शेख साहब आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल कुछ लोग गए हैं, अभी शब्बीर कह रहा था कि पता नहीं गया। शेख साहब एस्टेब्लिशमेंट को बराए रास्त ये कहना कि आप इंटरवीन करें, आप मैं इंटरवीन नहीं कह रहा, मैं और एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूँ, मैं किसी गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट से नहीं कह रहा। मेरा भाई है, मेरा हलका है, जीएचक्यू मेरा हलका है, ट्रिपल ब्रिगेड मेरा हलका है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर मेरा हलका है, ये सारे मेरे हलके में हैं। अगर ये वोट डालने आए, मुझे दुख इनसे ये है कि इलेक्शन में ये वोट डालने नहीं आते। अगर ये 5-6 हजार ही मेरे हलके में वोट डालने आ जाए तो मुझे तो किसी से वोट ही मांगने ना पड़े, ये आते ही नहीं है वोट डालने के लिए, वो अपने भेज देते हैं 10-20 आदमी। हो गया आपका सवाल, बाजवा ने मुझे वोट दिया, मैं उसका मशकूर हूं और मैं सीनियर था और बाजवा साहब मेरे कॉलेज फेलो हैं। जब मैं एमएसएफ का ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था वो उस कॉलेज में दाखिल हुए, गॉर्डन कॉलेज, और कल हमने वकारुनसा यूनिवर्सिटी और 10 गज के फासले पे उसी रोड पे दूसरी मैंने मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बनाया था जिसमें 2 नौजवान मेरे शहीद हो गए थे और उनको भी कल मैंने 25-25 लाख रुपए अपनी तरफ से देने का ऐलान किया है। एक रोड पे 5 यूनिवर्सिटियां रावलपिंडी की हैं, सिर्फ एक वकारनुसा रोड पे मेडिकल यूनिवर्सिटी और वकारनुसा यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, बन चुकी है, नोटिफिकेशन जारी करवाया कल बड़ी मुश्किल से। यहाँ भी 300 पार्क ठीक किए हैं, बस नाला ले रह गया उसी की। क्या देख रहे हैं पंजाब में भी? कल एक्निक थी, कल एक्निक में पास हो जाना था, बस शौकत तरीन को भी कहा, सारे काम पूरे हैं, पैसे भी रेडी थे, बस पता नहीं ये नाला ले मनहूस है, जब भी मैं काम शुरू करने लगता हूँ हुकूमत बदल जाती है। पहले इसका नाम शेख रशीद एक्सप्रेस वे था, फिर इसका नाम लाल हवेली एक्सप्रेस वे बना, फिर मुशर्रफ ने शेख रशीद एक्सप्रेस वे रखा, फिर इसका नाम नाला ले रखा गया। सो मेरे 50 साल सियासत के इस नाला लही में गरक हो गए।
देखें ये सारे इश्तिहारी सारे मनी लॉन्डर वाले अपने केस खत्म करा रहे हैं, एफआईए मेरे अंडर है, अकाउंटेबिलिटी मेरे अंडर नहीं थी, आजकल पूरी कोशिश में है, क्योंकि इमरान खान ने पता नहीं सदर के आर्टिकल 94 के तहत कितनी देर अबूरी वजीर आजम रहना है। अगर ये पास हो जाती है, मैंने आपको कहा ये मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, अभी भी हर घंटे सियासत बदल सकती है। पूरी प्रोटेक्शन देंगे, 2 बजे मीटिंग कराई है, 4 बजे आपको बुला रहे हैं आर ब्लॉक में, और सब लोगों को एक एक महीने तनख्वाह का ऐलान करता हूं इंटीरियर मिनिस्ट्री में बोनस के तौर। नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह ताला अमन व अमान रखेंगे, ये हमारे जिम्मे। खान साहब का आखिरी सवाल, खान गायब ही होगा। बाबा मैं तो 4-5-6 महीने से आपको आगे रो रहा हूँ कि इलेक्शन करा दो, ये तो आज की बात है, मैं तो 1 साल से कह रहा हूँ इलेक्शन करा दो। खान साहब आपकी नजर बड़ी दूर की नजर है।